हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि अक्सर घर में देखा जाता है कि बच्चे बहुत अधिक टीवी देखते हैं, तो मैं उसको दूर करने के उपाय, उसके क्या क्या कारण हैं, मैं उस कारण आपको बताना चाहती हूँ। तो अक्सर हमने घरों में ये देखा है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, या तो वो सोने जब जा रहे होते तब टीवी देखेंगे, खाना खाने से पहले टीवी देखेंगे, खाना खाने के बाद टीवी देखेंगे, पढ़ने से पहले टीवी देखेंगे, और क्या नाम है, खेलने भी नहीं जाएंगे, उसकी जगह वो कार्टून देखना ही पसंद करेंगे। कहीं उनके अपने माता पिता के साथ जाने से घबराएंगे, उसकी जगह वो टीवी देखना घर में पसंद करेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं यही श्रेय है कि उनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि अरे बच्चा घर में टीवी देख रहा है, हम लोग बाज़ार हो आए। तो यह सब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कुछ कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं टीवी देखने के, कि आपका हो सकता है कि बच्चे का कोई फ्रेंड सर्कल ना हो आपके आसपास, या बच्चा कभी बिज़ी ना रहता हो, हमेशा बच्चा फ्री रहता हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। या वो ये एक कारण माँ बाप पर भी हो सकता है कि हो सकता है उनकी मम्मी ज़्यादा बिज़ी रहती हों, किसी काम में भी हो सकती हैं बिज़ी वो, या किसी अपने फ़ोन पर बिज़ी रह सकती हैं, या वो किसी के साथ बातचीत में बिज़ी रह सकती हैं। तो ये भी कारण हो सकता है कि बच्चा जब माँ बाप उनके साथ नहीं है तो बच्चा खाली समय में क्या करेगा, बच्चा टीवी ही देखेगा। तो अगर हमें बच्चों की टीवी देखने की लत को छुड़ानी है तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि हमें बच्चों को कभी भी खाली नहीं बैठने देना चाहिए। कुछ टिप्स ऐसे हैं मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपके बच्चे की टीवी देखने की लत बहुत ही कम होने लगेगी। जैसे कि पहला टिप मेरा ये है कि अगर आपका बच्चा टीवी देखना ही चाहता है, तब उसको हमेशा ये प्रेरित कीजिए कि वो कार्टून की जगह कोई अच्छा टीवी प्रोग्राम देखे। जैसे कि कोई क्यूज़ चैनल है जिस पे क्यूज़ बता रहे हैं, वो दिखाइए बच्चों को। कहीं आर्टवर्क हो रहा है बच्चों को, तो आर्टवर्क दिखाइए आप बच्चे को। कोई डिस्कवरी चैनल है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, एनिमल चैनल है, ये इतने चैनल हैं, इसे बच्चों को दिखाइए। और बहुत से ऐसे चैनल हैं जिसमें बच्चों की नॉलेज इंक्रीज़ होती है, ऐसे आप चैनल दिखाइए बजाय आप कार्टून दिखाने के। तो इससे बच्चे की नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी, बच्चे को कुछ ज्ञान भी मिलेगा, और बच्चा कुछ सीखेगा, नई चीज़ सीखेगा। खाली कार्टून देखने से बच्चा नई चीज़ नहीं सीख पाता है। दूसरा मेरा कहने का टिप्स ये है कि इसमें आप बच्चे की समय सीमा, टीवी देखने की समय सीमा आप निर्धारित करें। एकदम तो आप अगर बच्चे से कहें कि टीवी बंद कर दो और बिल्कुल टीवी मत देखो, तो बच्चा बिल्कुल भी बंद नहीं कर पाएगा। तो आप बच्चे के टीवी देखने की समय सीमा निर्धारित कर दें कि हाँ, आपको आधा घंटा अब मिलेगा, उसके बाद एक घंटे का ब्रेक, फिर आपको आधा घंटा या 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप चाहते हैं उतना आप टीवी बच्चे को दिखाइए। ये नहीं कि सुबह से लेकर रात तक वो कंटिन्यूसली टीवी देख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। इससे आप इसको अगर आप समय निर्धारित भी कर रहे हैं, तो आप बच्चे को ये बताइए कि मैं समय निर्धारित क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप लगातार कंटिन्यूसली अगर आप टीवी देखेंगे तो इससे आपकी आँखों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी आँखें कमज़ोर होने लगेंगी, जिससे आपकी आँखों में चश्मा भी लगवाना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको ये सब बच्चे को बताना होगा। नेक्स्ट जो टिप है वो आप ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चा हमेशा टीवी अकेले में देखता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा बच्चों को टीवी दिखाते समय आप उनके साथ हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए, ताकि बच्चा जो कुछ सीख रहा है, जो भी कुछ बच्चा सीख रहा है, आप उस पर उसे बता सकती हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। अक्सर कहते हुए माँ बाप को ये सुना जाता है कि बच्चे को कहते हैं कि ये सब टीवी का असर है, टीवी देख देख के बिगड़ रहा है। अरे बच्चा टीवी देखकर क्यों बिगड़ रहा है? अगर आप उसके साथ होती उस समय, आप उसके साथ प्रेजेंट होती, जो उस समय वो टीवी में देख रहा है वो आप उसको बता सकती हैं। कोई गलत चीज़ अगर बच्चा ने आपको लगता है कि आपके बच्चे ने कोई चीज़ गलत वॉच की है, तो आप उसको उस समय बता सकते हैं कि ये उसने आपने क्या देखा और इसका क्या परिणाम आगे हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चे के साथ, जब भी बच्चा टीवी देखे तो आप उसके साथ ज़रूर प्रेजेंट हो। और लास्ट में मेरा एक टिप ये है कि बच्चे अगर टीवी आप बच्चे को नहीं दिखाना चाहती हैं, तो आप बच्चे को एक कोई ना कोई विकल्प जब बच्चे के लिए ज़रूर तैयार रखें। जैसे बच्चा कहीं खेल सकता है बाहर जाकर, आप उसको कोई आर्टवर्क करवा सकती हैं, आप कलर करने के लिए दे सकती हैं, आप किसी अपने घर के किसी काम में आप उसको बिज़ी कर सकती हैं। जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, बच्चों से अलमीरा में कपड़े रखने के लिए कह सकती हैं, अपने बुक शेल्फ को साफ़ करने के लिए कह सकती हैं। आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपका बच्चा टीवी की जगह बिज़ी रहे। जब बच्चा खाली होगा
तो हमेशा टीवी देखने का उसका मन करेगा, और बच्चा अगर बिजी रहेगा तो कभी भी वो टीवी नहीं देखेगा। आप बच्चे को कोई अच्छी बुक रीड करवा सकती हैं, और या फिर बच्चे को कोई भी गेम दे सकती हैं, जैसे कि लूडो है घर में, आप क्या नाम है कैरम बोर्ड दे सकती हैं, कोई भी आपको कोई भी मतलब आपके लिए कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे को कोई ना कोई अपना विकल्प ज़रूर दें, किसी ना किसी काम में उसे बिज़ी ज़रूर कराएं, हो सके तो किसी पार्क में ले जाएं, उसे शाम के समय कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो बच्चे को ज़रूर साथ में लेकर जाएं। इससे बच्चे को पैसे की नॉलेज होती है कि हाँ हम कैसे, मम्मी कैसे खर्च कर रही हैं हमारे पैसे, और कैसे कितने रुपये उसने लिए शॉपकीपर ने, कितने हमारे पास बचे हैं, तो इन सब का नॉलेज बच्चे को होना चाहिए। इससे बच्चे की टीवी देखने की लत कम होने लगेगी, धीरे धीरे उन्हें और चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।